पिछले वीडियो के बाद आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मानव प्रजाति के प्रकार और उनके वितरण की। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि फिजिकल ट्रेट्स यानी शारीरिक लक्षणों के आधार पर, जिनमें शारीरिक कद, नाक का आकार, बालों की बनावट आदि शारीरिक लक्षणों के आधार पर हेडन, गुहा, टेलर जैसे कई मानव भूगोलवेत्ताओं ने अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है, लेकिन जो मुख्य प्रजातियां विश्व में क्लासिफाई की गई हैं वो हैं कॉकेशाइट, निग्रोइड्स, मंगोलाइड्स और ऑस्ट्रेलियाइड्स। इनमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं कॉकेशाइट की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कॉकेशियन शब्द कावकास शब्द से आया है, जो कि ये माना जाता है कि ये प्राचीन समय से रहे हैं और ये वेनाक स्पीकिंग जो बोलने वाले जो लोग हैं, चैचन्स, इंग्विश, किश्त लोग जो हैं, उनके ये एंसेस्टर्स माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से जो कॉकेशस पर्वत हैं उनके बीच में, नॉर्थ और साउथ कॉकेशस रीजन में विद्यमान है और इसी के नाम पर इनका नाम कॉकेशाइट्स पड़ा है। ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो इसके बारे में, इनके एग्जैक्ट प्लेस के बारे में किसी प्रकार का इनमें डिबेट नहीं है। ये सुनिश्चित है कि ये कॉकेशियन जो लोग हैं वो कॉकेशस पर्वत से ही इनका ओरिजिन हुआ है। इनके सब रेसेस जो क्लासिफाई किए गए हैं उनमें आर्यन, सेमेटिक, आर्यन जिनमें कि इंडो यूरोपियन पॉपुलेशन आती है, सेमेटिक जिनमें अरब्स हैं, हेमेटिक जिनमें इजिप्शियन नेटिव रेसेस हैं, नॉर्डिक्स जो कि मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है, अल्पाइन, अरेबिक और ईस्ट बाल्टिक, आर्मेनियन, ये इसकी सब रेसेस हैं। इनका क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर है। अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो इनका स्किन कलर लाइट होता है, वाइट से लगाकर डार्क गेहूं रंग इनका होता है और इनके हेयर वेवी हैं यानी कि लहरदार हैं, डार्क एबोनी प्रोमिनेंट आइज, इनकी आईब्रोज जो हैं वो बहुत डार्क हैं और आंखें बहुत तीव्र, वेल शेप्ड नोज, नाक की आकृति बिल्कुल सधी हुई, शार्प फीचर्स हैं। इसके अलावा ठंडी दिशाओं में इनका उद्भव होने के कारण ये रेस स्किन पिगमेंटेशन इनके कलर में वर्ण जो है इनका हल्का है, गौर वर्णीय ये है ये इनका, और ये इनका सर्वाइवल इक्वेटोरियल के पास कम हो पाता है, इसीलिए जैसे जैसे इक्वेटर के पास जाएंगे वैसे वैसे इनका रंग सांवला होता जाएगा। दूसरा जो प्रजाति है वो है निग्रिटो। निग्रिटो थॉमस हक्सले जो प्रमुख डार्विन बायोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका मानना है कि एबोरिजिन्स पापुआ निग्रिटो मलेशिया जो मलेशियन हैं वो ऑस्ट्रेलाइड रेस के अंतर्गत आते हैं और इनके यूनानिमसली सभी से ये जो सब रेसेस कही जा सकती हैं उपप्रजातियां जो कि निग्रोइड के अंतर्गत आती हैं। इनको कई, जैसा कि हमने नाम लिया, इनको कई सब रेसेस में डिवाइड किया गया है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका स्किन टोन, इनका त्वचा का रंग गहरा है और सघन पिगमेंटेशन पाया जाता है, कोर्स ब्लैक, बहुत खुरदुरे ब्लैक और वूली यानी कि ऊनी बाल इनके हैं, नोज़ इनकी चौड़ी है और फोरहेड ब्रॉड है इनका, होठ चौड़े और लार्ज, बड़ा इनका शारीरिक गठन बड़ा है और इनका वृहद जो इनका स्केलेटन है वो स्ट्रक्चर बहुत वृहद है। इनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है और एबिलिटी एनवायरमेंटल कंडीशन में इनकी एबिलिटी ऑफ सर्वाइल जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सट्रीम हीट में भी ये अपना अस्तित्व बना के रख सकते हैं। इनकी सब रेसेस निलोटिक, बंटू, सुनानिक, पिग्मी और खोसियन प्रजाति मुख्य हैं। नेक्स्ट है मंगोलाइड। इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वास्ट और बहुत ही भौगोलिक वितरण बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में है। ये मुख्य रूप से एशियन
क्षेत्र माना जाता है। इनमें वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं जिनमें ईस्ट एशियन, नॉर्थ एशियन और नेटिव अमेरिकन जो लोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इनका रंग पीतवर्णीय है ये, या हल्का गेहूं का रंग माना जाता है। इनके बाल एकदम सीधे स्ट्रेट और ब्लैक हैं। इनके हेयर ग्रोथ बहुत कम है और इनकी आँखें बादाम के समान होती हैं। शारीरिक गठन बहुत ही हल्का है इनका। फेशियल फीचर्स जो हैं इनके बहुत छोटे हैं बट क्लियर होते हैं। और ये मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ में नेटिव अमेरिकन इसी के अंतर्गत आते हैं। इनके जो सब क्लासिफिकेशन हैं वो एस्किमो, बोल्टियास, चाइनीज़ और चुकचीज़ के रूप में हैं। इनका मंगोलाइड जो पॉपुलेशन है वो लो कंडीशन, लो टेम्परेचर कंडीशन और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट करती हैं, उनके अनुकूलन कर चुकी है। और इसके अलावा इनका जो फिज़िकल फीचर्स हैं इनके जेनेटिक ग्रुप में वो मंगोलाइड्स जो इनकी जो इनका जो लाइफस्टाइल है वो मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध से लगाकर गर्म कटिबंध तक के समान अपने आप को अनुकूलन करने के अंतर्गत माना जाता है। चौथी जो रेस है वो है ऑस्ट्रोलाइट। इसका मुख्य रूप से आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी जो प्रोटोस्ट्रोलाइट की है वो इसके अंतर्गत मानी जाती है कि अफ्रीकन कंट्री कंटिनेंट से जो साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट की तरफ ऑस्ट्रेलियन लैंडमास की तरफ जो माइग्रेट हो गए वो इसके अंतर्गत आए। ये जैसा कि हमने पहले भी देखा ये नेटिव रेस लोकल ऑस्ट्रेलियन सब कंटिनेंट में पाई जाती है और इनमें कई मानवशास्त्री ये मानते हैं कि इनकी जो सब डिविजन्स हैं वो अबोरिजन्स और निग्रिटो के सब डिविजन्स हैं ये। और ये इनके अगर भौतिक दृष्टि से बात की जाए तो निग्रोइड के बहुत नज़दीक हैं ये। इनका कारण ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन और नेटिव क्योंकि इनका ओरिजिन एक ही क्षेत्र में हुआ लेकिन बाद में ये माइग्रेट हो गए और बाद में ऑस्ट्रेलिया तक चले गए, इसीलिए इनको ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर अलग नामकरण दिया गया, अन्यथा भौतिक दृष्टि से भौतिक लक्षणों से इनमें और जो निग्रिटोज हैं इनमें काफ़ी समरूपता देखी जाती है। ये मैप इसमें क्लियरली स्टेट करता है कि कौन कौन सी जो प्रजातियां हैं वो कहाँ पर विद्यमान हैं। जैसा कि बात की गई कि जो कॉकेशाइड हैं वो मध्य इसमें आप देख सकते हैं, जो यूरोपीय क्षेत्र है वहाँ पर मेडिटेरियन जो रीजन है इसको इस तरह से ले सकते हैं, मध्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र, कुछ हद तक भारत के भी क्षेत्र में ये विद्यमान है। इसके अलावा जो बात की जाती है निग्रिटोज की, इनमें निग्रिटोज में अफ्रीका का क्षेत्र आ जाता है। इधर जो इनके ऑस्ट्रेलाइट्स जो इन्हीं के सब रेसेज हैं वो इसके अंतर्गत आए। इसके अलावा मंगोलाइट्स जिनकी हम बात करते हैं वो इस क्षेत्र में प्रधानता से हैं और इन्हीं के मंगोलाइट्स का ही जो रूप है वो कुछ जो चुकचीज़ और एस्किमोज़ के रूप में देखने को मिलता है, और रेड इंडियंस के रूप में जो देखने को मिलते हैं वो अमेरिका में नई दुनिया जिसे जिसके रूप में जाना जाता है वो यहाँ पर प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। ये जो स्लाइड है ये भी इन्हीं के वितरण को प्रदर्शित करती है, जो बाद में ये देखा गया कि कॉकेशाइड जो है वो माइग्रेट होकर के नई दुनिया के अंतर्गत आए और जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे उन्हें इन्होंने सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास किया, उसे उन्हें डोमिनेट करने का प्रयास किया। तो आशा करती हूँ कि ये ह्यूमन रेसेस, ये मानवीय प्रजातियाँ, इनका वितरण, इनके प्रकार, इनका आप एक चार्ट के फॉर्म में बना सकते हैं, उनकी फिज़िकल ट्रेड्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, जिससे आपको उन्हें याद करने में सुविधा, और एक मैप आप बना लीजिए जिसमें शेडिंग करके इन चारों रेसेस को आप दिखा सकते हैं जिससे आपको उन्हें याद करने में सुविधा होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे। इनके आप नोट्स तैयार कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।